बिग बॉस 15 के फैंस को जिस वोटिंग का इंतजार था उसका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट उमर रियाज के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। जी हाँ, उमर रियाज बिग बॉस सीजन 15 से हो गए हैं बाहर। जी हाँ, दरअसल वो बाहर हुए हैं घर में हुई फिजिकल वायलेंस की वजह से, जो कि उन्होंने प्रतीक सहजपाल के साथ किया। उसके बाद घर में वो कई टास्क जीते, वीआईपी कंटेंडर बने, टिकट टू फिनाले जीते। लेकिन वोटिंग के दौरान इस वीकेंड का वार पर सलमान खान ने कहा कि अब रिजल्ट आ चुका है और उमर रियाज को घर से बाहर जाना होगा। जी हाँ, और इस तरह से उमर रियाज का ये टास्क जीतने के बाद, वीआईपी कंटेंडर बन जाने के बाद ऐसे शो से बाहर कर देना बिल्कुल भी फैंस को पसंद नहीं आ रहा है और वो सोशल मीडिया पर ये हैशटैग चला रहे हैं, बायकॉट बिग बॉस सीजन 15। बिग बॉस 15 बिना उमर रियाज के कुछ नहीं, वो इतने अच्छे इंसान को बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो वही इंडस्ट्री से भी कई लोग उमर रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके भाई आसिम रियाज का भी कहना है, यू वेल प्लेड ब्रदर, लव यू। जी हाँ, वही हिमांशु खुराना ने भी कहा है इस बारे में। उन्होंने कहा, ये वही करते हैं जो करना चाहते हैं, वॉच करवाओ और फिर निकलवा दो और बैश करके मेंटल हेल्थ भी खराब कर दो, अच्छा खेले तुम उमर। दूसरे ट्वीट में लिखती है वो, चौंकाने वाली बात नहीं है, हर सीजन में ऐसा होता है, इसलिए क्या ही वोटिंग अपील डालें और क्या वोट्स मांगे, हम तुम्हारे साथ है उमर। उमर के भाई जो उनके चचेरे भाई है, उन्होंने भी कहा है कि भाई उमर तुम हमारे लिए पहले से ही विनर हो और ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, फिर भी तुम्हारी उमर आर्मी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार वाले साथ है, तुम हमारे लिए विनर हो। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर उमर रियाज को सपोर्ट किया जा रहा है और उनके इस तरह से इविक्ट हो जाने पर फैंस भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना ये मजेदार होगा कि अब बिग बॉस के घर में क्या कुछ कमाल होता है, क्योंकि अब फिनाले करीब आ रहा है। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।